बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी सुबह हो चुकी है, दिन हो गया, यानी कि सुबह वैसे तो काफ़ी टाइम से हुई, क्योंकि सहरी करने के बाद समझ लें हमेशा जो है नमाज़ और कुरान पाक के बाद मैंने आज डाला है जानवरों को चारा, और साथ में उसके नीचे से कर दिए सफाई, क्योंकि हमसाए जो हैं वो गए हुए हैं, घर पे नहीं है इसलिए। और सूजी ने आज उनके घर का देखें कितना नुकसान किया, कि यहाँ पे मट्टी इसने बाहर निकाल दी। ये आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, और सुबह ने इसने इतना ज़्यादा तंग किया मुर्गियों बेचारियों को, जैसे वो दीवार से नीचे उतरी हैं उनके पीछे भाग गया। फिर मैंने भी डंडा उठाया, मैंने कहा रोक छोड़ती हो या नहीं, तो बड़ी मुश्किल से इसने छोड़ा। चले जी, अभी जानवरों ने चारा खा लिया है तो मैं निकालूंगी भैंस का दूध, क्योंकि जैक जो है वो छोटा है, तो वो अभी मेरे पीछे पीछे फिर रहा है कि दूध आएगा तो गुजारा होगा, तो ये दूध पीता है। वैसे रोटी भी खाता है, क्योंकि मैं इसको रोटी डालती रहती हूँ, तो इसने भी मेरी तरफ बिस्मिल्लाह 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 कोई चीज़ लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि अक्सर मैं रोटी लेकर आती हूँ और इनके मुँह में डाल देती हूँ, इसलिए इन्होंने सामने मेरी तरफ मुँह कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी इधर नहीं आना, भैंस चल पड़ेगी फिर। दूध निकालते हैं ना आराम से, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा टाइम लेती है, पहले बैठना पड़ता है और दूध आता है तो फिर जो है निकालते हैं, क्योंकि पहले जो है ना कट्टे को छोड़ते थे, अभी कट्टा बड़ा हो गया वो चारा खाता है। जी आजकल मोहम्मद सुबान ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है, ठीक ठाक है। तो सभी के कहा करें भाई, ठीक ठाक है हम लोग। बंदा जो है ना सुबान, दोबारा बोलो। हाँ जी ठीक ठाक है। और कुछ? वीडियो को लाइक करें, ठीक हो गया। और कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकड़े रखना जोर से, छोड़ना नहीं। मोहम्मद सुबान को बोला है कि इसकी पूंछ पकड़ो, क्योंकि ये पूंछ मारती रहती है, ऐसे बंदे के ऊपर भी मारती है, फिर दूध खराब हो जाता है इसकी। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना आप, अच्छे बच्चे हो या गंदे बच्चे हो? स्कूल कब जाना है फिर? डमी सही है, पंजाबी बच्चा है भाई, कह रहा है कि दमी स्कूल जाना है। आज तो वैसे भी छुट्टी है, इतवार है। तो यहाँ पे जब भी हमने दूध निकाल लिया, और सबसे पहले छोटे जैक को देंगे दूध, क्योंकि वो इसको लगी हुई भूख इसलिए। तो इस साइड पे जी खुल गई थी हमारी भैंस, और तारिक साहब जो है ना वो गए हैं भैंस को बांधने के लिए, और यहाँ पर आज इतवार है तो फजर के यूनिफॉर्म जो है वो धोने वाले हैं, थोड़े बहुत जो है वो कपड़े तो मैंने कहा उनको भी धो लेते हैं। और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ मशीन, और फजर बेटी जो है उसको मैंने दिया है काम, और वो बैठी हुई पढ़ रही है। अभी जल्दी जल्दी लिखो जो मैंने दिया है आपको। तो अब हम लगाते हैं, थोड़ा सा रह गए, चलो ठीक हो गया। तो अब हम इसमें डालते हैं सर्फ और इसको चलाते हैं, तो कपड़े मेरे जो है वो धुलते रहेंगे, फिर मैं साथ साथ में बाकी के काम जो है वो कर लूँ। आपके कपड़े आपके भी धोते हूँ, ये गंदे हो गए, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो, अभी नहीं, अभी नहीं उतारना, एंड पे उतारेंगे जब वो ट्यूबवेल बाबा चलाएंगे ना, तो आप वहाँ पे नहा लेना,
और कपड़े मैं धो दूंगी। ये इसने खाई है रात को कुल्फी, जो सारी इसने इधर लगा दी है। हाँ जी है, तो यहाँ पे मशीन हमारी चल चुकी है, तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है फजर की यूनिफॉर्म। तो अभी जी मशीन जो है वो कपड़े धोने वाली मेरी लगी हुई है, और मैं आ चुकी हूँ इस मशीन पे। चारा जो है वो मैंने डाल के रख दिया, जो थोड़ा बहुत पड़ा है मैंने कहा ये डाल देते हैं जानवरों को, और यहाँ से कर देते हैं सफाई, क्योंकि ये जो कचरा पहले वाला होता है ना उसको साइड पे करना पड़ता है, जगह साफ़ करके फिर नया चारा जो है वो लेकर आते हैं, ताकि पहले वाला चारा जो है वो बासा हो जाता है। इसकी मशीन घुमा दे। नहीं नहीं खराब कपड़े खराब हो। तो अभी जी मशीन हमारी ऐसे ही लगी हुई है, मैंने कहा कपड़े धुलते रहेंगे और मैं चल के जाके चारे की कटाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब धूप ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सारी फैमिली जा रही है, सूजी भी जा रहा है, सारे जा रहे हैं, तनिक सब मूसा भी जैक आ रहा है, जैक आप वो इसके लिए वो लेकर आए हैं दवाई, मैंने आपको कल बोला था इसको, वो ऊपर लगे हुए हैं क्या उसको बोलते हैं चिचड़, चिचड़ चिचड़ जो ना अक्सर जो ये होते हैं डॉगी इनके ऊपर हो जाते हैं, तो एक तो इसको इंजेक्शन भी लगवाएंगे और साथ में जो है वो भी शैम्पू होता है एक, वो लगाने से फिर ये नहीं होता। तो सरसों जो है वो हमने निकालनी थी, बस ऐसे काट के रख दी है, क्योंकि फ़िलहाल जो है 2 दिन यानी कि रात को ना हमारे पास हल्की हल्की बारिश आ जाती है, एकदम बादल ऐसे गरजते हैं और उठते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, बस गरज के चले जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी ना ही बरसे क्योंकि अभी पक्की फसलें हैं, और पक्की फसलें जो है फिर वो ख़राब हो जाती। वैसे ये सरसों ना बिल्कुल ऐसे पक चुकी है, यहाँ से थोड़ी सी निकाल के दिखा देते हैं तारिक साहब, ये अब समझ लें ख़राब होगी, ये देखें। अब बस इसको हम लेकर जाएंगे और इसको ना तरपाल के ऊपर, कहाँ गए जैक आ गए, आ जाओ बेटी, दरांती एक और होती तो तारिक साहब और मैं दोनों मिलके काट लेते तो अच्छा होता, जल्दी जल्दी काट जाने थे ना। ओए अल्लाह कितनी शरारतें करते हैं, आ जाओ। अब इसने ना इसको भी तैयार कर लिया, लड़ाइयाँ चेक करें, आ जाओ माशाल्लाह पट्टे सोने नहीं जी, ये वाला जवान जो है ना ये भी तैयार हो गया खेलने कूदने के लिए। चलो बाबू थोड़ी ना मैं बहने दी ना मेरा दुपट्टा ना पड़ा मैं कूदना मैं रहीम। तो यहाँ पे अल्लाह का नाम लेकर जो है शुरू करते हैं, और जल्दी जल्दी फिर इसमें बरकत आएगी और जल्दी कटाई हो जाएगी, क्योंकि आजकल पांदा जो है वो नहीं होता तो चारे थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ता है। चारा है ऐसे जैसे मक्खन हो, ऐसे जल्दी जल्दी काट रहा है। फजर बेटी बगला बिछा बेच पावी कपड़े चारा नाल नाल उठाओ उसको ना ऊपर, वो मस्तियां कर रहे हैं। को चारा उठाए जैक, उठ चारा उठा के डाल जैक, इतना ट्रेन हो जाए ना कि ये चारा उठा के इस तरह डाले। वैसे तारिक साहब ये डाल भी सकते हैं अगर बंदा इनको समझाए तो, समझ काफी होती है।
वही साइड पे जैक और मोहम्मद सुबान जो है वो दोनों खेल रहे हैं, और यहाँ पर चारा जो है वो मैंने काटा है। दो थब्बे यानी कि दो गांठे जो है वो हमने चारे की काटनी है, एक जो है वो मैंने काटी है। ये तो अभी तारिक साहब जो है ना वो लग चुके हैं कटाई करने में, तो जैसे जल्दी से होती है क्योंकि धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, सूरज तेज़ होता जा रहा है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, फिर आपको पता है कि रोज़े की हालत में फिर ज़्यादा जो है ना क्या ज़्यादा रोज़ा महसूस होता है। और इस साइड पर माशाल्लाह गंदम भी अभी पकने पे आ चुकी है, पक पे। वो जो उधर गंदम खड़ी हुई है ना, ये वाली हमसायों की, ये बिल्कुल ऐसे ना सुनहरी हो गई है। ये उम्मीद है कि ये ईद से पहले इसकी कटाई होगी, लेकिन हमारी गंदम ईद के बाद। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि वो जो है वो लेट है, तकरीबन पहले ये काश्त की हुई है 15 दिन, और हमारी जो है वो 15 दिन बाद। क्यों? सर यहाँ पे जी चारा जो है वो हमने काट लिया है और मैं इसको डाल रही हूँ इस कपड़े में, और तारिक साहब जो है वो ये उधर रख के आएंगे और फिर दूसरा फेरा जो है वो लेके जाएंगे। बस कर मोहम्मद सुबान, नहीं करो तो। तारिक साहब जो है ना वो जा रहे हैं बेचारा रखने के लिए, और सूजी और जैक दोनों उनके पीछे पीछे वो छोड़ के आते हैं चारा, और मैं बाकी जो है ना उसकी कटाई कर लेती हूँ। सीधा सीधा गिर जाओगे वरना, मैं नजर नहीं आ रही पट्ठा क्या है, पट्ठे तू भी देख ले। कवे जो है ना वो माचिस उठा लेते हैं, तो कल मैंने उधर चूल्हे पे रखी थी तो कवा उठा के ले गया, मैं ढूंढ रही कहाँ गया वो, इधर आई पड़ी है, ये पड़ी। तो यहाँ पे चारा जो है ना इसकी कटाई हमने कर ली और इसको रख दिया यहाँ पे, क्योंकि इस साइड पे ना छांव होती है, बस इन ऊपर बिछा दे, छाते ऊपर धूप नहीं लगेगी, सुबह ही काट के रख देते हैं ताकि जो है सेकंड टाइम गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए अब काट दिए और सेकंड टाइम फिर इसकी कटाई करके जाएंगे कूड़ा लेने। तो यहाँ पे जी कपड़े हमारे जो हैं वो धुल चुके हैं, और तारिक साहब चलाएंगे मोटर और मैं धोऊंगी कपड़े, और वो अपना काम करेंगे, जानवरों को पानी पिला के बांधेंगे। मेरे कपड़े धुलने का बस इंतज़ार था, मेरे का सारे कपड़े धुल जाएं और एक ही बार मोटर चलेगी ना, तो फिर समझ ले पानी ज़ाया नहीं होगा, दो दो काम हमारे हो जाएंगे। आज और आज इतवार का दिन था, तो फजर बिचारी जी वो भी बैठी हुई है ऐसे, क्योंकि तारिक साहब ना बीच में उधर चले गए थे कहीं किसी से मिलने के लिए, और ये कह रही है कि नलका वो चले मोटर तो मैं नहाऊं मोटर पे, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो फिर गर्मी में आपको पता है बच्चे जो है नहाते हैं, देखें वो भी खा के और इधर ही देख रही हैं, मोटर हमारी जो है वो चल गई है। अरे फट्टा हटाओ फट्टा, पानी का प्रेशर चेक करें बहुत ज़्यादा है क्योंकि धूप है इस वजह से, ये हटा दे फट्टा फजल सारे वो, ये गया सारा इधर, ये वाली चीज़ जो है ना वो बह जानी थी सारी। हल्की हल्की ठंड है तो अभी जी मैंने कपड़े जो है वो सारे धो लिए, और तारिक साहब ने जानवर जो है उनको पानी पिला के बांध दिया है अंदर नीचे उस शेड के नीचे बांध दिया, क्योंकि ना गर्मी अब होती है इसलिए, और यहाँ पे कपड़े एक दफ़ा तो मैंने खंगाल के रखे हैं जल्दी जल्दी में, कोई तारिक साहब ने मेरे साथ खंगलवाए हैं और कुछ मैंने खुद, क्योंकि मोटर जो है ना उसको पानी निकालने का कोई और जगह नहीं थी, अब यहाँ पे भी नहीं लगा सकते और गंदम भी पक चुकी है, इसलिए फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर गार्डन में लगा दें, थोड़ा सा जितना गार्डन में लगा इतने में हमने सारे काम जो है वो कर लिए। कपड़े हमारे धुल गए, अब बस मैं इनको अच्छे से निचोड़ूंगी, और नहीं आप नहीं दो, इनको खुश करने के लिए डाल दूंगी। यहाँ से उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि ये मोटर चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बस मोहम्मद सुबान सोया हुआ था और वो अभी उठा है।
कभी जी तारिक साहब जो है ना वो कर रहे हैं चारे की कटाई, क्योंकि सुबह के टाइम हमने नहीं की थी और अब बज गए 3, तो अभी हम चारे की कटाई करके जानवरों को ना बाहर बांध के डालेंगे, क्योंकि अगर सुबह ही काट देते फिर सारी ये धूप लगनी थी और सारे चारा जो है वो ख़राब हो जाना था। अभी ताज़ा ताज़ा है, अब कटाई इसकी हो रही है, फिर तूड़ी में मिक्स करके हम इसको डाल देंगे जानवरों को। और बच्चों के काम चेक कर ले, फजर में देख रही हूँ फजर, आज फजर ने इतना ज़्यादा तंग किया, सारा दिन शरारतें की है और भाई को लेकर 1 मिनट ये बंदी नहीं बैठी है। अब इधर खड़े रहो, हाँ जी नहीं खोलना, खोलना खोलना ही नहीं, इधर ही खड़े रहो। तो अभी जी सेकंड टाइम हो चुका है और अब हम करें अपनी इफ्तार की तैयारी, और इफ्तार में आज हम लोग बना रहे हैं जी कद्दू शरीफ। क्या बना रहे हैं? बंदा थोड़ा सा गुस्सा होकर बैठा हुआ है। तो आज हम बनाएगी कद्दू की ठंडी ठंडी सब्ज़ी है, और जैसे ही बाज़ार में आई मैंने तारिक साहब से बोला है कि जैसे ही बाज़ार में आए तो आपने कद्दू शरीफ जो है वो ज़रूर लगानी है, लेकर आनी है। तो रोज़ में पता नहीं चलता बंदा क्या बोल रहा है, लेकर आनी है, और मैं कह रही हूँ लगानी है। वैसे माशाल्लाह से हमने सारी सब्ज़ी लगाई है, कद्दू भी लगाए हैं, अब वो निकल चुके हैं, इंशाल्लाह मैं कल आपको दिखाऊंगी तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर भी लगना शुरू हो जाएंगे। उधर वाले तो बड़े बड़े हो गए, फ़िलहाल हमें बाज़ार से ही लेने पड़े हैं। ये रे जूता नहीं पहनता, चप्पल नहीं पहनता, तारिक साहब ने इसको डांटा है थोड़ा सा कि अब तूने चप्पल नहीं पहनी ना तो फिर देखना तेरी कैसे पिटाई होती है। तो अभी वो आराम से बैठा हुआ है चप्पल पहन के। चलें जी, तारिक साहब ने हेलमेट शेलमेट पहन लिए और उनकी तैयारी हो चुकी है। हाँ जी, आजकल मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ना, गर्मी है ज़्यादा, उन दिन दोपहर इतने नहीं होते। हाँ जी, इस टाइम, हाँ इस टाइम होते हैं ज़्यादा। चले ये आपको उधर तक छोड़ने जा रहे हैं, हर वक्त इनकी लड़ाइयाँ शुरू रहती हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।